हिमाचल प्रदेश विधानसभा चोणां दे लई वोटिंग जारी है। 68 सीटां ते वोटिंग हो रही है। 412 उम्मीदवारां दी किस्मत ईवीएम दे विच कैद हो रही है। ठंडा सूबा है पर फिर भी वड्डी गिनती दे विच लोग बाहर आए ने। वोटां पाउण दे लई उत्साह दिखाया जा रहा है। दिग्गज लीडरां दे वल्लों भी वोट हक दा इस्तेमाल कीता गया। हिमाचल प्रदेश दे विच वोटिंग नूं लै के किस तरह दी है हलचल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चोणां दे लई वोटिंग प्रक्रिया जारी है। लोकां च सवेर तो ही वोटिंग प्रति उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने हल्के सिराज दे विच परिवार सने वोट पाई। मंडी दे सिराज च जयराम ठाकुर वोट पाउण पहुंचे सन। आप नर्वस तो नहीं है? ना बिल्कुल जी नर्वस नहीं हूं, बिल्कुल मैं आज तो बहुत आराम में हूं जी। आप मुख्यमंत्री बने 2017 में पहली बार और इस बार उसका टेस्ट है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या देखिए विधायक के तौर पर तो जनता आपको पसंद करती आई है पर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ के लोग आपको कितना पसंद करते हैं, इसकी आज परीक्षा है? स्वाभाविक रूप से परीक्षा के दौर जीवन में आते हैं। हमने एक एक परीक्षा को पार किया है और अब की बार भी इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हिमाचल में हमने इन 5 साल में कोविड की सिचुएशन होने के बावजूद भी काम किया है, बेहतर काम किया। जो साधारण नॉर्मल टेन्योर जिन मुख्यमंत्रियों के रहे हैं पहले, उनसे ज्यादा काम किया है। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी का क्षेत्र है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र है, चाहे हमारा रोड्स का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो हेल्थ है, कंपैरिजन ही नहीं है। हम बहुत आगे निकले हैं कोविड के बावजूद भी। हमको सामान्य परिस्थिति मिली होती काम करने के लिए, शायद और भी ज्यादा बेहतर होता। और ऐसे में अब ये परीक्षा का दौर है तो मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमको रहा है, उनने बहुत बड़ा सहयोग दिया इन 5 वर्षों में, मार्गदर्शन किया, नेतृत्व दिया। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बनेगी। हिमाचल प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के परिवार ने भी हमीरपुर के समीरपुर पिंड दे विच वोट हक का इस्तेमाल किया। प्रेम कुमार धूमल अपने पूरे परिवार के नाल वोटिंग करन पहुंचे सन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उन्होंने नाल मौजूद सन। पिछलियां विधानसभा चोणां दे विच हालांकि प्रेम कुमार धूमल नूं निराशा मिली सी, ओह वोटां दे विच हार गए सन। इस बार हालांकि प्रेम कुमार धूमल चोण मैदान दे विच नहीं नित्रे ने। रामपुर दे विच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस दे प्रधान प्रतिभा सिंह ने भी वोट हक का इस्तेमाल किया। प्रतिभा सिंह अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह दे नाल वोट पाउण पहुंचे सन। विक्रमादित्य सिंह शिमला देहाती तो कांग्रेस दे उम्मीदवार ने। हिमाचल प्रदेश की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोट दें, काम के नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। बड़े बड़े वादे किए मैम, और इन वादों को लेकर सवाल उठे कि आखिर इतनी फंडिंग कहाँ से आएगी? हिमाचल छोटा प्रदेश है, कम रेवेन्यू है और वादे बहुत कर दिए हैं कांग्रेस ने, तो आज आप क्या कुछ इसको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दैट वी विल सी, लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट। वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म देन वी विल सी हाउ टू टैकल द मैटर। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को? 40-45 की नारा तो आप लोगों ने दे दिया था, कांग्रेस 60 बीजेपी 8, तो क्या वो भी ऐसे ही जुमला? वो भी है। नहीं रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़े, हिमाचल को आगे बढ़ाएं, अपना मत जो है वो लोगों के हित के लिए दिए, हिमाचल प्रदेश के हित के लिए दे और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए दे। राज और रिवाज में बड़ी टक्कर रही, बीजेपी कहती रही कि रिवाज इस बार बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आज तक हिमाचल प्रदेश की परंपराएं, रिवाज, रीति रिवाज को बदल सके। लेकिन ये जो कांग्रेस कह रही है, फिर कांग्रेस को क्यों वीरभद्र सिंह की तस्वीर की जरूरत और भावुक अपील की जरूरत पड़ती है? क्योंकि वीरभद्र सिंह हिमाचल के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। जो काम आज आप देख रहे हैं, अभी जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, स्कूल के इतना बड़ा स्कूल का भवन यहाँ बना है, ऐसे ऐसे काम लोकतंत्र है। राजपाट सब जो है वो पीछे की बात हो गई, आप वोटरों से मुद्दों पे बात करिए। मुद्दा ही है, आप वीरभद्र सिंह की तस्वीर के साथ भावुक अपील कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं, उनकी सरकार थी, पिछली सरकार तो उन्हीं की थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो उन्होंने जो काम किया है उस सरकार ने, उसको तो हमें लोगों के बीच में लेकर जाना है। वीरभद्र की वीर सिंह की विरासत आगे कौन लेकर जाएगा अगर सरकार बनती है कांग्रेस? पूरा हिमाचल प्रदेश लेकर जाएगा। वो चेहरा कौन होगा? क्या उसी चेहरे से हमारी बात हो रही है? वो हिमाचल प्रदेश के लोग निर्णय करेंगे। हिमाचल प्रदेश दे विच इस बार कुल 412 उम्मीदवार ने। इन्हां दे विचों 24 महिलावां, 388 पुरुष उम्मीदवार ने। वोटिंग दे लई 7881 पोलिंग स्टेशन बनाए हुए ने। हिमाचल प्रदेश पुलिस दे 35,000 मुलाजम सुरक्षा दे विच तैनात ने। हर पोलिंग स्टेशन ते 1 CRPF, 2 होमगार्ड अते 3 पुलिस जवान तैनात ने।
पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की 68 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। आप यहां देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग लंबी लाइनों में लगकर मतदान कर रहे हैं। इस लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का मतदान के प्रति कितना उत्साह है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए 412 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 24 महिला प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। आज क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग होनी है, उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। भाजपा जहां रिवाज बदलने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राज बदलने की बात कर रही है। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से लोगों का उत्साह मतदान के प्रति है, ये किसकी तरफ जाता है। हिमाचल प्रदेश च कुल 68 सीटा ने, जिन्हों च 48 जनरल ते बाकी यानी कि 20 सीटा राखवियां ने। मौजूदा वेले दे विच हिमाचल प्रदेश च कुल वोटर 55,92,000 ने, पुरुष वोटर 28,54,000 ने, महिला वोटर 27,37,000 ने, नवे वोटर 1,93,000 ने। इसे दे नाल ही सूबे दे विच 67,559 सर्विस वोटर, 56,501 दिव्यांग वोटर, 22 NRI वोटर भी ने। वोटर EVM दे विच उम्मीदवारां दी किस्मत कैद कर रहे ने अते उम्मीदवार दावा कर रहे ने कि उन्हां दी जित पक्की है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आपको वोट कास्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि स्टेट में डेवलपमेंट भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी आए। मुद्दे लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक बहुत सारे हैं। लोकल लेवल में जैसे कि हमारी मंकी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, आपके पेडेस्ट्रियन वे नहीं है, सड़कों का प्रॉब्लम है, और रही बात उसकी गर्ल की, तो गर्ल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है जो आगे पुट फॉरवर्ड होना चाहिए। बहुत इंथुजियाज्म है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम एक डेमोक्रेसी का पार्ट बन चुके हैं, और हम अपनी तरह से, यूथ अपनी तरह से अब डेमोक्रेसी को एक तरह से अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है डेमोक्रेसी के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट फीलिंग है, तो इम्पोर्टेंट भी, और वोट देना तो काफ़ी बढ़िया है। एक ऐसी सरकार जो समझे, जिसके पास जाके टाइम ना लेना पड़े बार बार, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब पता है हम चेंज में हैं जो आज का ये होता है, तो मैं जो चाहूँगा, ऐसी सरकार चाहूँगा जो ग्राउंड लेवल के भी इश्यूज को समझे, ना कि सिर्फ बहुत ऊपर के लेवल्स का। सो आई वांट दैट। कितना उत्साह रहता है पहली बार वोट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग कि आप अंदर जाओ, बटन दबाओ, और यू नो ये नेल पॉलिश सी लगवा के आते हैं हम। सो इट्स वेरी डिफरेंट। भारतीय जनता पार्टी पुणे सरकार बनाएगी। जो सुबह से रुझान देखा है हमने, बड़ी मात्रा में लोग वोट डालने आ रहे हैं। खासकर के मैं कसुमटी विधानसभा क्षेत्र के दो बूथ जो हैं, कसुमटी जम्मू कैसल में लगे हुए, उनमें देखा है कि अभी तक बहुत जल्दी सुबह का समय है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वोट डाल करके जा चुके हैं। चैलेंज है, इसे अवसर में बदलेंगे, और 20 साल से जो कसुमटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आएगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जो रुझान आखिरी के दिनों में चुनाव अभियान के दौरान देखा गया है, उसमें काफ़ी मात्रा में जो है वो खुलकर के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करने लगे थे। और सोमटी में विशेष रूप से जो है वो मैंने देखा है, क्योंकि नया क्षेत्र था मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एकदम से लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ। लोग स्वयं स्थान स्थान पर बुलाने प्रारंभ किया उन्होंने, और जो सभाएं इत्यादि जहां की हैं वहां पर बड़ी मात्रा में लोग जो है वो आने शुरू हुए। तो अगर सोमटी में रुझान इस प्रकार का है, तो बाकी प्रदेश में तो निश्चित रूप से जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, शहरों में जो है वैसे कंपैरेटिवली कम होता है, शिमला भी और उसके साथ लगते हुए कसुमटी के क्षेत्र में भी, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स जो वोटर लिस्ट में होते हैं उनके दो स्थानों पर वोट बने होते हैं। धीरे धीरे कानून भी बन गया है और टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो एक ही स्थान पर वोट रहेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के वोट जो हैं दो स्थानों पर बने हुए हैं। इसलिए शहरों में कंपैरेटिवली कम पोलिंग होती है। इस बार देखते हैं, जैसा रुझान है उस हिसाब से जो प्रेजेंट वोटर हैं वो तो बड़ी संख्या में निकलेंगे।
हिमाचल प्रदेश के वड्डे मुद्दे ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, सिक्ख्या, सेहत, बुनियादी सहूलत, इन्होंने मुद्दों से हर पार्टी ने वैसे पूरा जोर लाया कि लोगों को अपने पासे करन, पर लोग किस दे हक च भुगतते ने अते पहाड़ किस दे नाम हुंदा है, ये 8 दिसंबर नूं पता लगेगा। वोट हक का इस्तेमाल करने तो बाद हिमाचल प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एबीपी सांझा के नाल एक्सक्लूसिव गलबात की है। की दावा किया उन्होंने, दस दे ब्रेक दे उस पार।